श्री राम समर्थ मई 31 भगवान की शरण में जाए। जो ऐसा कहता है कि मैं जो भी करता हूँ सब भगवान के लिए करता हूँ, यह सच्चा और उत्तम भक्त है। अपना कर्ता होने का भाव मिटाने के लिए उत्तम भक्त होना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगना ही भक्त का लक्षण है। सत्कर्म भी बंधन का कारण हो सकता है, अतः कोई भी कार्य भगवान का स्मरण करके करे। भगवान का स्मरण करते समय यदि स्नान करने का विस्मरण हो जाए तो उसे पाप कैसे कह सकते हैं? जो समय भगवान के स्मरण में बीतता है वास्तव में वही समय सुख में बीतता है। विषय के लिए जब हम अपने को भूलते तो भगवान का स्मरण करने में अपने को क्यों न भूले। जब तक हमें लगता है कि हमें सगुण से प्रेम नहीं हुआ है तब तक सगुण भक्ति करें। हम यदि गुरु की इच्छा के अनुसार व्यवहार करें तो हमारी इच्छा मिट गई, ऐसा ही इसका मतलब होगा। ऐसा करने पर हमारा अभिमान मारा जाता है। अहम भाव छोड़े बिना गुरु आज्ञा का पालन नहीं हो सकता। गुरु आज्ञा को प्रमाण मानकर हम अपनी इच्छा को दबाना शुरू करते हैं तब भी वह बीच बीच में सिर उठाती ही है, लेकिन उसकी समझ में आ जाता है कि यह मेरी नहीं सुनता तो वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। देह समर्पण करने की नौबत आ जाए तब भी हमें गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि हमें देहातीत होना हो तो हम गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, इसके सिवाय हमें दूसरा चारा ही क्या है। मैं देह नहीं हूँ ऐसा निरंतर कहने से आदमी कभी न कभी तो देहातीत होगा ही। अपना धर्म और नीति संभालो और सत्संगति में रहने का प्रयत्न करो। संत और गृहस्थ दोनों अपनी गृहस्थी करते हैं, किंतु गृहस्थ अपने को कर्ता मानता है जबकि संत राम को कर्ता मानकर गृहस्थी करते हैं। तुम अपने को कर्ता माने तो तुम्हें सुख दुख भोगने पड़ेंगे। पत्नी बीमार होती है तो आदमी दिन रात जागता है और उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती तो क्या आदमी भगवान के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो नहीं सकता? मन में आकुलता और लगन होनी चाहिए, तब सब कुछ होता है। किसी ने प्रश्न पूछा था कितने दिन में मुक्ति मिलेगी, उसका श्री समर्थ रामदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। जिस क्षण तुम भगवान के स्मरण में अपने को भूल जाओगे उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। अपने को भूलना यानी निर्गुण हो जाना है। कृति करने वाले का ही वेदांत सही होता है। मैं विद्वान हूँ ऐसा महसूस होने लगे तो भगवान का भजन करने में शर्म आती है। अतः रात दिन निरंतर भगवान के नाम का सहवास रखो। सहवास के कारण यदि आदमी से भी प्रेम बढ़ता है तो भगवान का सहवास करने पर उससे प्रेम क्यों नहीं होगा? भगवान की शरण में जाए और उसका होकर रहे, यही सब धर्मों और शास्त्रों का सार है। आज का मुख्य विचार, देह और मन से हम अलग हैं, अतः नामस्मरण करते करते हम अलग रहने का प्रयत्न करें। जो किसी भी बात से नहीं सधता है वह नाम से सधेगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.